हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 15 मई 2021 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा परिवर्तन आईएएस एकेडमी टेलीग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत में जो थर्ड वैक्सीन है, जिसको एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया है, उसको कल यानी फ्राइडे से रोल आउट किया गया। और स्पुतनिक 5 की जो कॉस्ट है 995 पर डोज होगी, लगभग 1000 पर डोज के आसपास इसकी कॉस्ट होने वाली है। हालांकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी, क्योंकि उसका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट बियर करेगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। लेकिन इसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज़ होती है, इसमें आप देखेंगे, आप कोविन पोर्टल पे अपना स्लॉट बुक करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक पेड आता है, एक आता है फ्री वैक्सीनेशन करके। तो इसमें अगर पेड पे आप जाते हैं तो 995 पर डोजेज इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा, एमआरपी होगा। और इसमें ये बताया गया कि जुलाई में जब लोकल प्रोडक्शन शुरू होगा, इसकी कॉस्ट इतनी क्यों है, क्योंकि हमने ये इम्पोर्ट करी है वैक्सीन, और अगर लोकल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है जुलाई के अंदर, तब कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि लोअर कॉस्ट इसकी होगी। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका एक तो टाई अप है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ के साथ, रशियन वैक्सीन ये है, और पहले कंसाइनमेंट में हमें 1.5 लाख डोजेज जो है वो अवेलेबल हुई है। आने वाले टाइम में अगर लोकल प्रोडक्शन बढ़ता है तो बड़े लेवल पर भारत में वैक्सीनेशन जो है उसको और ज़्यादा रैंपअप किया जा सकता है, या उसमें और ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जहाँ हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो कुछ स्टडीज़ भी हमें पढ़नी ज़रूरी है। कोविशील्ड और कोवैक्सिन यानी दो वैक्सीन जो इससे पहले रोल आउट हो रही है, वो कहीं ना कहीं लेस इफेक्टिव है अगेंस्ट B.1.617। ये बेसिकली क्या है, ये इंडियन वेरिएंट ऑफ कोविड-19 है। यानी कोवैक्सिन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन जो है लेस इफेक्टिव है इन इंडियन वेरियंट्स में, राइट। इसमें हालांकि ये बोला गया कि इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीनेशन ही नहीं करवाना, ये बोला गया कि इसमें 50% एंटीबॉडी जो है ये डेवलप करती है, प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टूल है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, बट आर स्टिल ए इम्पोर्टेंट या पोटेंट टूल अगेंस्ट वायरस, एक्सपर्ट्स की ये एनालिसिस है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक अर्ली रिपोर्ट के थ्रू ये बताया गया कि लगभग 50% में या लगभग 50% जो है वो एक एंटीबॉडी जो डेवलप होती है वायरस के अगेंस्ट, वो इंडियन वेरिएंट्स में इंडियन स्ट्रेन के अगेंस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। दुनिया भर के जितने भी स्ट्रेन्स हैं, लाइक ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है, यूके वेरिएंट्स है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स है, और इंडियन वेरिएंट्स, इनको लेकर स्टडी की जा रही है कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, और ये और ज़्यादा मदद करती है स्टडी एक तरीके से वैक्सीनेशन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में। और इसको लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे का एक इंस्टीट्यूट है, वो इसमें स्टडी कर रहे हैं, सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। और इनके अलावा एक वर्ड जो आपको पूरे इस प्रोसेस में देखने को मिलेगा, जीनोम सिक्वेंसिंग करके, ये जो एक जीनोम सिक्वेंसिंग बोलते हैं, जीन एडिटिंग, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, और ये बायोटेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेरियस जो आप सब्जेक्ट देखते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के पार्ट सिलेबस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इस तरह के जो पार्ट्स हैं, क्योंकि जीनोम सिक्वेंसिंग को लेकर पहले भी सवाल यूपीएससी ने प्री में पूछा है, मेंस में भी जो है क्वेश्चन हो सकता है, जीन एडिटिंग को लेकर क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको ज़रूर पढ़े। और म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, कि वायरस अलग तरीके से रिएक्ट करता है, या वैक्सीन जब एक तरीके से वायरस के प्रोटेक्ट करने में एंटीबॉडी डेवलप करते हैं तो उससे अलग तरीके से रिएक्ट करना, यही म्यूटेशन है, या वैक्सीन का असर को कम करना, ये कहीं ना कहीं चैलेंज है। इसके बाद थर्ड इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए स्पेस भी इंपॉर्टेंट है, US का एक स्लाइडर टर्टल्स है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में एक थ्रीट की तरह आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर स्टडी करी गई कि ये आपको लगेगा बहुत ही क्यूट सा पेट है, लेकिन ये नेस्टी के रूप में जो है वो चेंज हो जाता है। 29 नेटिव स्पीशीज ऑफ टर्टल एंड टॉर्टोइस को ये कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है, या कहीं ना कहीं उनके थ्रीट के रूप में आपको नज़र आएगा। ये बेसिकली कहाँ पर ये स्टडी होती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, खासकर मिजोरम के अंदर ये देखने को मिला है, और नेचुरल वाटर बॉडीज़ को ये इन्वेड करता है, जो कि 21 ऐसी स्पीशीज, यानी जो भारत के अंदर 29 वल्नरेबल स्पीशीज है फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टॉर्टोइस की, उस कॉन्टेक्स्ट में ये 21 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्पीशीज है उनको कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है। टॉर्टोइस और टर्टल्स दोनों इस टाइम पे न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि हमने रिसेंटली पढ़ा था जेंट लेदरबैक के मामले में, अंडमान और निकोबार आइलैंड में, जो ग्रेटर निकोबार का एक प्लान है, नीति आयोग का विजन डॉक्यूमेंट है,
उस कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा था, तो सवाल हो सकते हैं। और जो स्पीसीज को लेकर क्वेश्चन होते हैं एनवायरनमेंट में, और जो क्योंकि एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और दूसरा आप देखेंगे इंडिया जब हम प्री की बात करते हैं तो इंडिया सिविल सर्विसेज के साथ फॉरेस्ट सर्विसेज भी इंक्लूड है, तो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। इनके अलावा मैं सीधा सीधा कुछ इश्यूज़ पर आपको सीधा डिस्कस करता हूँ। मिजोरम में स्टडी होती है, मिजोरम के अंदर एक रिवर है तलवांग रिवर करके, ठीक है, एक आता तवांग और एक आता तलवांग, दोनों में डिफरेंस है। तलवांग ये मिजोरम के कैपिटल आइजोल के आसपास आपको देखने को मिलेगी, मिजोरम की कैपिटल ये आइजोल के आसपास, और जो तवांग है वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में एक मेजर मोनेस्ट्री की तरह है, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी प्री में जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को लेकर मैचिंग में आते हैं कि पर्टिकुलर किस स्टेट से ये है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे इस तरह के वर्ड्स को। तो तलवांग रिवर जो मिजोरम की कैपिटल के आसपास मिलेगी, राइट। इनके अलावा अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पेज पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन लास्ट में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि इंडिया जो है वो इंडिया के अंदर लगभग 72% अगर आप टोटल अगर आप देखेंगे तो 72% टर्टल्स एंड टोर्टोइस की जो स्पीसीज है वो नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। ब्रह्मपुत्र रिवर और उनके इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं ये जो स्पीसीज है ये कहीं ना कहीं चैलेंज करती है, और ओवर थ्रो करने के जो नेचुरल या वहाँ की जो लोकल स्पीसीज है उनको एक तरीके से थ्रीट ये पोज करती है। और यूएस का जो स्लाइडर टर्टल, इसके बारे में पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बताया गया, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसकी राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से, यानी दाईं तरफ से और बाईं तरफ से मेजर ट्रिब्यूटरीज आपको नीचे मेंशन करनी है। आप चाहे एक ट्रिब्यूटरी बताइए या पूरी की पूरी भी लिस्ट आप बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चनिंग होंगे और क्वेश्चनिंग होने के लिए जरूरी कि आप उसको पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। इसके बाद बात करेंगे पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को का एक तरीके से एनालिसिस है कि मॉनसून जो है केरला के में लगभग 31 मई के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और अरबियन सी में यहाँ पर बोला गया कि हैवी रेन्स देखने को मिल सकती है, और साइक्लोनिक कंडीशन जो है आपको देखने को मिलेगी। एक चैप्टर जो एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है उसमें इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा है, क्लाइमेट करके एक चैप्टर आता है, ये आप देखेंगे, मैं कुछ आपको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये वाला पेज ये वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना क्लाइमेट। इसके थ्रू आपको मॉनसून क्या है, मॉनसून कैसे काम करता है, मॉनसून पर किन चीज़ों का इफेक्ट होता है, वो चीज़ आपको समझ में आएगी, राइट। इसके बाद हम सीधा मुद्दे पर बात करते हैं कि यहाँ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर काम करेगा, ये बेसिकली क्या बोलता है कि 31 मई के आसपास केरला के अंदर मॉनसून आ सकता है। जनरली 1 जून को केरला में नॉर्मल मॉनसून जो है वो आता है। मॉनसून के बारे में जो प्रिडिक्शन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके से प्रिपरेशन करने में मदद करता है, फ्लड्स को लेकर हो या एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो मोस्टली डिपेंडेंट ही जो है वो मॉनसून पैटर्न पर है, तो उसको लेकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे लक्षद्वीप में आपको जो है वो प्री साइक्लोनिक कंडीशन देखने को मिलेगी, और स्टार्टिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो भारत में मॉनसून आता है वो कहाँ पर आएगा, अंडमान और निकोबार में, जो निकोबार आइलैंड है वहाँ पर आपको सबसे पहले मॉनसून दिखाई देगा, क्योंकि आप इक्वेटरल चीज़ें जो देखते हैं, इक्वेटर के आसपास की जो सिचुएशन है, सबसे पहले ये वाली जो टेरिटरी है हमारी अंडमान और निकोबार, ये आपको बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे नज़र आएगी, उसके बाद इस वाले पार्ट पे। और मॉनसून जो एक तरीके से अरबियन टर्म है, टर्म के रूप में एक अरबियन वर्ड यूज़ किया गया था कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस पर्टिकुलर रेनफॉल का जो पैटर्न है उसको लेकर। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब क्या है कि भारत के अंदर जो लॉन्ग जो लंबे टाइम से जो एवरेज रेनफॉल रही है वो 88 सेंटीमीटर के आसपास रही है, और 96 से लेकर 104% की एक इसमें रेफरेंस दिया जाता है। ये बेसिकली आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा कि 96 से अगर 104% है तो ये नॉर्मल रेनफॉल है। इनके अलावा अल नीनो के बारे में बताया गया, अल नीनो ला नीनो इनका एक इम्पैक्ट होता है इंडियन मॉनसून पर। अल नीनो अगर होगा, अल नीनो का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है वो इसमें गर्म जलधारा के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, तो वो होगा तो क्या होगा कि भारत के अंदर मॉनसून जो है कम होगी। अगर ये इसका प्रभाव ज़्यादा होता है तो भारत के अंदर मॉनसून कम होगी, अगर ला नीनो होता तो भारत के अंदर मॉनसून ज़्यादा हो सकती है और उसमें फ्लड की सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखने, और अंडमान और निकोबार आइलैंड कंटिन्यू न्यूज़ में है, फिर से न्यूज़ में होगा, और यहाँ पर बताया गया 21 मई के आसपास अंडमान और निकोबार आइलैंड में मॉनसून देखने को मिल सकती है, और प्री मॉनसून जो है रेनफॉल भी देखने को मिलती है।
हालांकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो मॉडल्स है 2015 के अलावा जो है ज़्यादातर उसमें कुछ एरर रहता है, मार्जिन ऑफ एरर रहता है कि इसमें ये सही नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कई सारे प्राइवेट इंडिकेटर भी जो शो करते हैं कि कैसे भारत का मानसून पैटर्न जो है फंक्शन करेगा। इसके बाद पेज नंबर 6 पे हम लोग जाएंगे। पेज नंबर 6 पे एडिटोरियल पार्ट है। एडिटोरियल पार्ट में क्योंकि आज सैटरडे है तो एक ही पेज पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एडिटोरियल में तो 3 एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है। पहला, कोविड 19 को लेकर हम बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है न्यू एडिटोरियल है और करंट अफेयर से डायरेक्ट लिंक कर रहे उनको हमारी प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले बात करेंगे आउट ऑफ लाइन करके एक एडिटोरियल दिया गया है। ये बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद वहाँ पर कई जगह पर वॉयलेंस देखने को मिलती है और वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़, इनकी विजिट होती है पोस्ट पोल वॉयलेंस इन कूच बिहार कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। और वो कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नर का रोल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी को लेकर या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स है उसके अंदर, और क्या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो कि वहाँ की सीएम इस टाइम ममता बनर्जी है, तो क्या उनको उनका रोल होना चाहिए। और कई बार जो है वो इनके अगेंस्ट एलिगेशन भी लगता है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये देते हैं, और मैं पॉलिटिकल चीज़ों पर नहीं जाऊँगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलेंगे कौन सी के बारे में नहीं बोलेंगे या गवर्नमेंट, यहाँ पर सिंपल से कंसेप्ट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आप चाहे पहले किसी भी पोलिटिकल पार्टी के मेंबर रहे हों वो एक अलग इशू है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि गवर्नर का जो रोल होता है वो आपको फंक्शन करे, और जो गवर्नमेंट का रोल है उनमें आपको सपोर्ट होना चाहिए कि आप जो काम करते हैं उसको मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी चीज़ को लेकर एक हिस्टोरिकल बताया गया कि 2007 में क्या हुआ, उस पॉलिटिकल पार्टी के टाइम पे क्या हुआ, उस पॉलिटिकल पार्टी के टाइम पे क्या हुआ, वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि गवर्नर का रोल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर। और दूसरा, मैंने अभी कुछ दिन पहले डिस्कशन भी किया था कि ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर बनी है 2021 के अंदर, इसमें एक अलग तरीके का सिनेरियो है। अलग तरीके से कैसे है, क्योंकि वो जहाँ से इलेक्शन लड़ी थी नंदीग्राम से, वहाँ से वो इलेक्शन लूज कर गई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है अगर आप आर्टिकल 164 को पढ़ेंगे तो उसमें ये मेंशन है कि अगर कोई व्यक्ति मेंबर नहीं है हाउस का उसको 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। यानी पहले आपको सीएम बनने से पहले या मंत्री बनने से पहले ज़रूरी नहीं है कि आप उसके हाउस के मेंबर हो, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अंदर मेंबरशिप जो है हासिल करनी पड़ेगी। सेकेंड एडिटोरियल जो है सीज द फायर करके एडिटोरियल दिया गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। इसराइल्स राइट टू डिफेंड इट्सेल्फ डज नॉट एक्सटेंड टू इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग ऑफ सिविलियन इन गाजा। यहाँ पर बात की जा रही है कि इसराइल का राइट जो है डिफेंड करने का, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो गाजा के अंदर सिविलियंस है उन पर आप बॉम्बिंग करेंगे। इस पर्टिकुलर चीज़ों को बताया गया, ये आर्टिकल मैं कह सकता हूँ कि बैलेंस आर्टिकल है, कई चीज़ें इन्होंने बताई। जैसे यहाँ पर बताया गया कि इसराइल की जो आर्म्ड फोर्सेज है उन्होंने जेरूसलम में अलग शेख मस्क है और अल अक्सा मस्क जो है ये पूरा रीजन, जेरूसलम जो है कई सारे रिलीजन के लिए, चाहे वो इस्लाम हो चाहे ज्यूज़ हो या क्रिश्चियन हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। और अल अक्सा मस्क जो है इस्लाम रिलीजन में थर्ड इम्पोर्टेंट प्लेस की तरह है, जैसे मक्का मदीना और अल अक्सा, ये 3 मेजर प्लेसेस है इस्लाम रिलीजन में। वहाँ पर कुछ इश्यूज होता है दोनों के बीच में, जिसमें पलिस्तान और दूसरी तरफ इसराइल, पलिस्तान को जनरली सपोर्ट करता है हमास और एक बोला जाता है कि ये उनका एक नेशनल रिस्पॉन्स की तरह है, राइट। दोनों तरफ से फायरिंग होती है और लगभग कई सारे लोग दोनों तरफ से, जिसमें बच्चे भी शामिल है वो भी मरे। और इसराइल के ऊपर जो अटैक किया गया था हमास के द्वारा रॉकेट्स अटैक, उसमें एक भारतीय महिला भी उसमें डेथ हो गई थी और वहाँ पर भी एक बच्चे की डेथ हुई, यानी कैजुअलिटी दोनों तरफ हुई है। इंटरनेशनल अपील की बात करें तो दुनिया भर के देश ये बोल रहे हैं कि पीस मेंटेन करनी चाहिए। भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया कि दोनों तरफ से जो है पीस मेंटेन की जाए और जो वॉयलेंस हो रही है उसको इमीडिएट बेसिस पर रोका जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे दोनों इस चीज़ को लेकर जो है मानने को तैयार नहीं है पीस एस्टेब्लिशमेंट करने में, या सीज फायर की जो बात करते हैं उसको लेकर अभी भी कोई डिसीजन नहीं है। और इवन अभी मैं आधे घंटे पहले भी देख रहा था कि वहाँ पर कंटिन्यू जो है वो अटैकिंग हो रहे हैं, चाहे वो गाजा को लेकर हो और हमास की तरफ से प्रिपरेशन होगी उसको काउंटर अटैक करने की या फायरिंग करने को लेकर। इन सब के बीच में अगर आप देखेंगे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, 2014 के बाद पहली बार
हमास की तरफ से इतने बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगा 1800 रॉकेट जो है वो विद इन 5 डेज इसराइल की तरफ छोड़े गए। अब इसमें कई चीज़ें लगती है कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सपोर्ट कर सकते हैं फिलिस्तान को, लेकिन अगर किसी कंट्री पर 1800 रॉकेट्स भेजे जाएंगे तो उसका क्या कोई भी कंट्री हो वो अपने आप एक तरीके से रिटेलिएट करेगी या उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगी। लेकिन उसमें मेन प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों तरफ से सिविलियंस को जो है नुकसान होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि हमास की जो रॉकेट अटैक को काउंटर अटैक करने की जो इसराइल की स्ट्रेटजी है उसमें सिविलियन और सोल्जर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा और इसीलिए चैलेंजिंग है। और हालांकि इसराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ये इन्होंने कई सारी मिसाइल को न्यूट्रलाइज किया है, उनको हवा में ही उनको कहीं ना कहीं काउंटर करके ख़त्म कर दिया। लेकिन इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है इसकी भी एक लिमिटेशन, जिसके बारे में एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी गई वर्ल्ड अफेयर में, वहाँ पर हम पढ़ेंगे आज ही। इन सब के बीच में इसराइल के अंदर इंटरनल लेवल पर या जो क्राइसिस, एक तो होता है एक्सटर्नल क्राइसिस और दूसरा होता है इंटरनल क्राइसिस। एक्सटर्नल में हम देखेंगे फिलिस्तान की तरफ से हमास की तरफ से अटैक होना, ये एक्सटर्नल क्राइसिस है। दूसरा इंटरनल क्राइसिस क्या है कि वहाँ पर ज्यूज और अरब के बीच में एक तरीके से वायलेंस हुई और वहाँ की एक इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ लॉर्ड के अंदर स्टेट ऑफ एमरजेंसी जो है डिक्लेयर करनी पड़ी, क्योंकि सिविल वार का वहाँ पर एक तरीके से डर देखने को मिलेगा वहाँ की इजरायली अथॉरिटीज़ को। इसीलिए कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी बोल रहे हैं कि उनको राइट डिफेंड करने का, इससे पहले एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल लाया गया था एक तरीके से डिस्कशन करने को लेकर। उससे पहले इस प्रपोजल को यूएस ने जो है वो कहीं ना कहीं बैन कर दिया था, वीटो कर दी थी, लेकिन अब फिर से उस पर डिस्कशन होगा क्योंकि उसको परमिशन दे दी गई है और आज कल उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद बात की जा रही है लैंड ए हेल्पिंग हैंड टू चिल्ड्रन द राइट वे, यानी जो कोविड 19 के बाद उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे उनका केयर और प्रोटेक्शन हो सकता है, उसको लेकर ये आर्टिकल है। आर के विज साहब एक IPS ऑफिसर है और इनके जो व्यूज़, ये बोला गया कि पर्सनल व्यूज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट इन्होंने कई सारी बातें बताई है। सेकेंड वेव जो कोविड 19 की देखने को मिलती है, सोशल मीडिया पर आपको फ्लड देखने को मिलेगी कि इनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़रूरत है, और बहुत सारे NGO जो हैं उसमें आपको मदद के लिए आगे आएंगे। तो इन्होंने एक तरीके से कुछ प्रोविजंस बताए हैं कि क्या भारत में इस सिचुएशन में कौन सी अथॉरिटी जो है काम करती है। जैसे सबसे पहले इन्होंने बताया कि अगर इस सिचुएशन में आपको कोई बच्चा ऑर्फन देखने को मिला जिनकी रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्शन की, तो आप सबसे पहले डायल करिए 1098 नंबर, और ये बेसिकली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की नोडल एजेंसी द्वारा, जिसका नाम है चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, इसके द्वारा कहीं ना कहीं मैनेज किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट। इसके बाद इन्होंने बताया सेकेंड ऑप्शन क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कंसर्न होता है उनसे बातचीत करिए, जो कि नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम फॉर मिसिंग एंड वल्नरेबल चिल्ड्रन पोर्टल, इसके द्वारा जुड़े हुए हैं और ये भी मेंटेन किया जाता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनके अलावा थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि आप एक्सक्लूसिवली ऐसे ऑफिसर से जो पुलिस ऑफिसर चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होते हैं या पुलिस स्टेशन में कॉन्टैक्ट करिए, और एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जो कि पैन इंडिया सिंगल नंबर है 112, ये डायल करिए, और इसके बाद एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम फॉर सिटीजन एमरजेंसी, ये कहीं ना कहीं फंक्शन करता है। इनके अलावा यहाँ पर बताया गया कि नॉन रिपोर्टिंग ऑफ सच चिल्ड्रन जो कि पनिशेबल ऑफेंस है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है, यानी अगर आप नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से किसी बच्चे को रखा और आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो ये क्राइम माना जाएगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अंदर। इसके बाद प्रोसेस बताया गया कि क्या प्रोसेस होता है बच्चों को एक तरीके से प्रोटेक्शन को लेकर, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं ये एक जजमेंट आई थी कि जो NGO इसको लेकर काम करते हैं उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, नॉन रजिस्टर्ड को जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इनके अलावा हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर ये प्रोविजन है कि इसमें जो प्रोसेस होगा वो नेचुरल सिंपल होना चाहिए और इस बात को इंश्योर करें कि सेकुलर कॉन्टेक्स्ट में भी हो और न केवल रिलीजन के बेसिस पर बल्कि रिलेटिवली कम्बर्सम होना चाहिए प्रोसीजर। इनके अलावा टोटली ट्रांसपेरेंट हो, यानी जो भी आप एक तरीके से अडॉप्टेशन का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और इसके लिए एक स्टेचुअरी बॉडी जो है
कारा एजेंसी जिसको बोलते हैं सेंट्रल अडेप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद कई सारी चीज़ें बताएगी कि गार्जियनशिप का क्या अथॉरिटीज़ है, क्या प्रोविजन है 1956 का जो एक्ट है उसके अंडर, कि कौन उसमें कहीं ना कहीं गार्जियन होगा और कौन उसके अथॉरिटीज़ होगा अगर दोनों पेरेंट्स उसके डेथ हो जाती है तो। सुप्रीम कोर्ट की कई सारी डायरेक्शन है, कई सारी जजमेंट इसके मामले में आई, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया। जैसे जो ऑफिसर होगा वो इस पूरे केस को अगर सुन रहा है या एक तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है, वो बिलो द आप देखेंगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या इन सब, यानी एक पर्टिकुलर रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया या इसी इक्वल रैंक का जो होता है उस अधिकारी से नीचे जो वो पुलिस ऑफिसर नहीं होगा जिस जो पर्टिकुलर इस तरह केसेस में एनालिसिस करेगा। और इसी तरीके की अगर आप देखेंगे अगर कोई जुवेनाइल पुलिस यूनिट है स्पेशल, तो उसको डीएसपी से नीचे जो है वो एक तरीके से लीड नहीं करे। कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई और रिसेंट में इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है वो उन्होंने सभी चीफ सेक्रेटरी जो है स्टेट्स के उनको लिखा है कि अगर कोई बच्चा आपको लगे कि कोविड-19 की वजह से चाइल्ड कोई ऑर्फन हुआ है तो इमीडिएट बेसिस पर आप कोई एनजीओ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट करना चाहती तो आपको उससे पहले नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स को इन्फॉर्मेशन देनी होगी, चाहे मेल्स के थ्रू हो, टेलीफोन नंबर्स के थ्रू हो, और इमीडिएट बेसिस पर जो भी उसको मदद चाहिए बच्चे को या मोस्ट ह्यूमन मैनर में वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है किससे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को। ये कमीशन अभी इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली है ना मराठा रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक जजमेंट दिया था। और उससे पहले अगर आप देखेंगे भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट को लेकर अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें दोनों को इंक्लूड किया गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और दूसरा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, दोनों इंक्लूड किए गए थे, तो दोनों न्यूज़ में है। तो हो सकता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो। इसके बाद पेज नंबर 8 पे अगर हम देखें तो पेज नंबर 8 पे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ आपको डिटेल देते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेशन जो वो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगी और क्यों इम्पोर्टेंट लगी उसके बारे में बताऊंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है ये एक इम्पोर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इसके अंदर बेसिकली 6,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं फार्मर्स के अकाउंट्स में डायरेक्टली, राइट, 3 किस्तों के अंदर। लेकिन ये स्कीम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो 3 एग्रीकल्चर बिल आते हैं, कई जगह पर इन बिल्स के प्रोविजंस को लेकर जो है वो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है विरोध कर रहे हैं, उनके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। पिछले अगर 2019-20 से आप देखेंगे तो प्री में एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो इंक्रीज हुआ है, तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर स्कीम की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रिपीट मोड पर सवाल हो सकते हैं, सोयल हेल्थ कार्ड हो सकती है या परंपरागत कृषि विकास योजना हो सकती, कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो इससे रिलेट करती है एग्रीकल्चर से, और इवन इरीगेशन की जो जैसे ड्रिप इरीगेशन हो सकता है या स्प्रिंकलर इरीग्रेशन हो सकता है, आपसे सवाल उस कॉन्टेक्स्ट में पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को जो है वो क्योंकि हमारी डायरेक्टली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगी और इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। कृषि सिंचाई योजना हो सकती, इनके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रहा है नोट कर लेना, एक तो मिनिमम स्पॉट प्राइस हो सकता है और दूसरा जो क्वेश्चन हो सकता है वो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर कौन कौन से आइटम इसेंशियल में है वो पूछा जा सकता है। तो ये 5-7 पॉइंट जो एग्रीकल्चर एक टॉपिक आपने अगर कोई नोट्स बनाए तो उसमें आप ऐड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 9 पे अगर हम बात करें तो पेज नंबर 9 पे जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से आपको ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी, वही कुछ पॉलिटिकल चीज़ें, कुछ स्टोरीज आपको नज़र आ सकती है, लेकिन यूपीएससी से डायरेक्टली ऐसी कोई मतलब सॉलिड सी न्यूज़ आपको नज़र नहीं आएगी पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 10 पे एक इन्फॉर्मेशन है, वो इम्पोर्टेंट क्या है कि पिछले 10 सालों के डेटा दिया गया है कि कितने एलिफेंट्स जो है उनकी डेथ हुई है रेल ट्रैक्स की वजह से, या रेल और आप देखेंगे एलिफेंट्स के बीच में जो एक तरीके से एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पर डेटा दिया गया कि सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई वो असम के अंदर है, फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, केरला, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा और यूपी, इन स्टेट्स के अंदर डिस्कशन किया गया कि 10 सालों में सबसे ज़्यादा डेथ हुई है 62 असम के अंदर। उसके पीछे रीजन भी हो सकता है कि शायद असम में एलिफेंट्स का नंबर जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगा।
इनके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से आरटीआई के अंडर ये पूछा गया कि आप इसके बारे में डिटेल बताइए, तो मिनिस्ट्री ने बोला कि हम लोगों ने इसके लिए परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है रेलवे और एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ताकि एलिफेंट डेथ को जो है रोका जाए। इसको लेकर इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई कि जैसे साइन बोर्ड्स को लगा देना या लोको पायलट्स को ट्रेन करना, इनके अलावा अंडर पास और अवर पास बनाना ताकि प्रॉपरली जो वो काम कर सके, एक तरीके से मूवमेंट दोनों तरफ से हो सके एलिफेंट्स की। इनके अलावा इन्होंने बताया कि हमने लगभग 212 करोड़ रुपए जो फंड रिलीज किया है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के द्वारा। दो तरह की स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर और दूसरी होती है सेंट्रल स्कीम। दोनों में डिफरेंस होता है, एक तो होती है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम और दूसरा होगा स्पॉन्सर करने का मतलब क्या होता है कि हम आपको फंडिंग करेंगे पर्टिकुलर स्कीम को लेकर। और प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बताया गया कि हमने इतनी फंडिंग करी, इसमें सबसे ज़्यादा केरला को मिला और दूसरा सबसे कम मिला पंजाब को। आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है, पहला जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो भारत के अंदर कब स्टार्ट किया गया था, और सेकंड जो है एलिफेंट IUCN की जो रेड डेटा बुक है आप उसको किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करेंगे, जो जिस तरीके से कई तरह कैटेगरी होती है कि वो एक तरीके से एक्सनिक्ट है या एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, किस तरह की कैटेगरी के अंदर आप एलिफेंट्स को रखेंगे वो आप नीचे कमेंट करेंगे। पेज नंबर 13 पे हम लोग डिस्कशन करेंगे एक इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप देखेंगे गाजा के अंदर इसराइल और हमास के बीच में, या गाजा के अंदर जो है वो पलिस्तान और इसराइल के बीच में जो चीज़ें चल रही उनको लेकर। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है ब्रीफ में, क्योंकि हमने इसके बारे में डिस्कशन किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वर्चुअल मीटिंग होल्ड करेगा कल इस इशू को लेकर, और ये रिक्वेस्ट की गई थी ट्यूनिशिया, नॉर्वे और चाइना के द्वारा। हालांकि चाइना जो है कई सारी कंट्री आपको डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगी, भारत भी इम्पोर्टेंट एक मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया है, 5 परमानेंट मेंबर जो है उनको वीटो राइट्स है, वो आपके लिए बेसिक से क्वेश्चन, उनके बारे में बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे। 5 परमानेंट में अभी जो प्रॉब्लम आई थी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ब्रिटेन, इसके अलावा चाइना और रशिया, ये जो टोटल 5 मेंबर्स हैं, इनमें से US जो है डायरेक्टली सपोर्ट करता, फ्रांस भी इसराइल को सपोर्ट करता है, तो US ने ब्लॉक कर दी थी मीटिंग, लेकिन फिर से क्योंकि रिक्वेस्ट की गई तो ये इसमें एग्री हुआ, और इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा कि कैसे दोनों के बीच में एक पीस एस्टेब्लिशमेंट की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं आयरन डोम सिस्टम, जो कि लगातार न्यूज़ में, कि इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है जो अभी न्यूज़ में है, जो अटैक आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर एक फोटोग्राफ आप देखेंगे, ये आप इसको पता, इससे आपको आइडिया लगा सकते हैं कि आयरन डोम का मतलब बेसिकली क्या होता है। जैसे ये मिसाइल इसराइल की तरफ अटैक किए गए, ठीक है, ये सिस्टम होता है आयरन डोम सिस्टम, यानी एक्टिव होता है। इंटरसेप्टर का मतलब क्या होता है कि आइडिया आप इस तरफ एक्टिवेट हो जाता है पूरा का पूरा सिस्टम, इनको पता चल जाता है किस तरीके की जो है मिसाइल हो सकती है, कहां पर ये अटैक कर सकती है, यानी इन मिसाइल्स को ऑब्जर्व करना, राइट, वही एक इंटरसेप्टर है। और मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे ट्रैफिक पुलिस का जो व्हीकल अगर आपने देखा हो तो उस पर एक वर्ड लिखा होता है इंटरसेप्टर, दूर से आइडिया लगा लेना। कई बार जो स्पीडिंग का, जो ओवर स्पीडिंग का चलान करते हैं उसको लेकर आप उनके, अगर आप देखेंगे इंटरसेप्टर व्हीकल के अंदर पिछली साइड एक छोटा सा गैजेट होगा जिसके अंदर स्पीड जो है मॉनिटर की जाती है, और कई बार वो आपको एक तरीके से एक प्रिंट कॉपी भी दे देते हैं कि ये आपकी स्पीड थी इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो इसीलिए यूज़ किया जाता है। इंटरसेप्टर का मतलब ही बेसिकली यही है। आयरन डोम क्या है? बेसिकली आयरन डोम सिस्टम जो है, जो अभी न्यूज़ में आया कि हमास की तरफ से इसराइल में जो रॉकेट जो कहीं ना कहीं दागे गए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि आयरन डोम एक मल्टी मिशन सिस्टम है जो कि कैपेबल है इंटरसेप्ट करना रॉकेट्स को, इंटरसेप्ट का मतलब उसको एनालिसिस करना किस तरह की मिसाइल सिस्टम है, उसको आर्टिलरी, मोर्टार और प्रिसीजन गाइडेड मॉनिटर और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली फंक्शन करता है। कई तरह का आपको देखने को मिल सकता है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, आपको इस तरह की मिसाइल्स के आपको टाइप्स देखने को मिलेगा, और इसकी रेंज जो है वो कहीं ना कहीं 70 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ऑल वेदर सिस्टम के अंदर काम कर सकता है और मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ये जो है वो काउंटर कर सकता है, और ये लैंड और सी दोनों जगह जो है डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा आयरन डोम जो मैन्युफैक्चर किया गया था वो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा, राफेल जो है वो न्यूज़ में रहा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, और ये क्योंकि फ्रांस का एक इम्पॉर्टेंट कंपनी आपको देखेगी, फ्रांस की जो डेजोल्ट एविएशन, वहाँ से
2011 में इसराइल एयरफोर्स ने सिस्टम जो है वो लॉन्च किया था, उसके बाद क्योंकि बहुत सारे अटैक हुए थे हिजबुल्ला की तरफ से हो, हमास की तरफ से हो, हिजबुल्ला और हमास जो है वो इनको फंडिंग करते हैं मोस्टली ईरान, ठीक है, और ये बेसिकली काउंटर करते हैं इसराइल को। इनके अलावा यहाँ पर ये बोला गया कि इसमें ये जो इम्प्लीमेंट करने के पीछे रीज़न था कि लगभग लेबनान वॉर के दौरान 4000 जो रॉकेट इसराइल के नॉर्दर्न पार्ट में अटैक किए गए और उसकी वजह से लगभग 44 सिविलियन जो इसराइल की उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद इन्होंने इम्प्लीमेंट किया सिस्टम। और इसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या, अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में देखेंगे, आयरन डोम के अंदर बैटरी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और इनके अलावा इसमें दो चीज़ें हैं कि ये जो कैपेबल है कि ठीक है कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी खासी है, 90% के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, अगर मल्टीपल एक लिमिट होती है ना, सेचुरेशन लिमिट, कि एक लिमिट के बाद अगर सेचुरेशन हो जाती है, सेचुरेशन इन द सेंस कि एक आयरन डोम या आपने एक सिस्टम डेवलप किया उसकी एक लिमिट होगी कि इतने मिसाइल तक वो काउंटर कर सकता है, लेकिन अगर ये लिमिट बढ़ जाती, जैसे नॉर्थ कोरिया कॉन्टेक्स्ट में उनकी कैपेसिटी ये है कि वो 500,000 सेल जो एक घंटे में फायर कर सकते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस सिस्टम को कायम कितना कर पाएगा उसको लेकर क्वेश्चन है कि ये एक सिस्टम है, और दूसरा इसकी कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा होती है, तो कई चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 40,000 से लेकर 50,000 जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट होती है डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में, ये 40,000 डॉलर है, ध्यान रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक बार आप भी इसको रिविज़न करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज़ में है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। इसके बाद बिजनेस पेज में आपको पर्टिकुलर डेटा दिया होगा कि इसका इतना प्रॉफिट हुआ, इसका इतना हुआ, लेकिन दो इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर है, क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी आप बोल सकते हैं, इसको लेकर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने बोला कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी जो काउंसिल के उन्होंने बोला कि इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर या क्रिप्टो एसेट को लेकर ये भारत के लिए चैलेंजिंग होगा, दुनिया भर के देशों के लिए चैलेंजिंग है। भारत सरकार ने एक तरीके से बोला था क्रिप्टो करेंसी को लेकर हम एक बिल जो है फॉर्मुलेट करेंगे और एक बिल जो है लाया जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर रिजर्व बैंक उसको रेगुलेशन करेगा नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट इसको मामले में आ चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2021 के आसपास, जब आप देखेंगे 2020-21 से कंटिन्यू न्यूज़ में देखने को मिलेगा, और पेंडेमिक के दौरान तो ये और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। इसके बाद एक और ब्रीफ में इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है चिप शॉर्टेज की वजह से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें 110 यानी बिलियन डॉलर की कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज देखने को मिलेगा, और सेमीकंडक्टर के रूप में जाना जाता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है ऑटोमोबाइल्स के अंदर। दो मेटल्स का इन्होंने डिस्कशन किया रॉ मटेरियल के रूप में, जिसमें प्लेडियम और प्लेटिनियम है, और ये बेसिकली एग्जॉस्ट स्क्रबिंग सिस्टम के रूप में यूज़ किया जाता है ऑटोमेकर्स के द्वारा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पेज नंबर 14 पे बिजनेस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। तो आज के इस कंप्लीट द हिंदू में इतना ही, और जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप कोशिश करिए उनका आंसर करने की। थैंक यू ऑल, जय हिंद।